ये है मथुरा स्टेशन। यहाँ से आप मथुरा घूमने के लिए दिल्ली से या किसी भी हिस्से में आपको मथुरा के लिए ट्रेन मिलती है, कहीं से भी आ सकते हैं आप। सारे स्टेटों से यहाँ लगभग ट्रेन आती है, जिससे हम मथुरा की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। दूर से आ रहे हैं तो ये देखिए धर्मशालाएं हैं, यहाँ आप ठहर सकते हैं, ठहरने की उचित व्यवस्था। और मंदिर प्रांगण में बहुत सारी दुकानें हैं, इनसे आप कोई भी सामान ले सकते हैं। मिठाई की दुकान है, सोनी धर्मशाला है, अरे बहुत सारी महिलाओं की बच्चों के सामान इधर मिल जाते हैं, जिनको आप आसानी से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। देखिए अभी हम मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर चलते हैं, आपको दिखाएंगे क्या क्या है। ये बाहरी द्वार है, जाते समय भी हमने आपको दिखाया था, निकलते समय भी दिखाते हैं। कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं। देखिए भक्तगण दर्शन करने जाने के लिए लाइन में लगे हैं। इधर ये सामान घर है महिलाओं के लिए, महिलाएं अपना सामान जमा कर सकती हैं। द्वारपाल खड़े हैं, ये भी द्वारपाल, और ये मुख्य द्वार है। यहाँ आपको ना तो मोबाइल ले जाने दिया जाता है और ना ही बैग अंदर ले जाने दिया जाता है, इसीलिए केवल मुख्य द्वार की वीडियो है और कहाँ कहाँ क्या सामान जमा करना है उसकी वीडियो होगी। बाकी अंदर की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर कोई भी मोबाइल वगैरह ले जाने दिया जाता नहीं। देखिए किस मात्रा में, किस तादाद में भक्तों की भीड़ लगी है। ये तो मुख्य मंदिर हो गया, यहाँ आपको दर्शन के लिए जाना। इधर आप जाएंगे तो इधर आपका ये निकासी द्वार हो गया। इधर ये सब बैठे रेस्ट कर रहे हैं, और ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। और यदि आपके पास बैग है तो आपका बैग इधर जमा होगा, यहाँ 10 रुपए लेते हैं बैग जमा करने के, मोबाइल जमा होता है इधर। इस साइड में बैग जमा होता है, 10 रुपए लेते हैं, मोबाइल जमा करने वाला 2 रुपए लेता है। यहाँ पर मंदिर के गेट के नज़दीक ये बैग जमा होता है, यहाँ 10 रुपए लेगा और आपका बैग जमा कर लेगा। दुकानें हैं यहाँ बहुत सारी, देख सकते हैं आप कैसा मार्केट है यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि, किस तरह से भीड़ है यहाँ भारी मात्रा में। ये देखिए कितनी बड़ी मात्रा में भीड़ है। आपका स्वागत है, यहाँ चलते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, श्री कृष्ण जन्मभूमि में। यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से चलेंगे। ये रहा पोतरा कुंड, जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे बचपन में शैशवावस्था में, तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कपड़े धोए गए थे, जिस कारण ये बहुत शुभ है। मलमूत्र के कपड़े धोए जाते थे। ये इसका गेट है उधर से, और बहुत इसकी गहराई, फाउंटेन है और रास्ते हैं, बहुत गहरा है, प्राचीन मान्यता है इसकी। इसको दर्शन करने से, इसमें नहाने से व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। ये पोतरा कुंड है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के राधे राधे। ये देखिए पोतरा कुंड है, यहाँ श्री कृष्ण के बचपन में कपड़े धोए गए, इसकी मान्यता है, बहुत शुभ है ये। एक चीज मैंने नोटिस करी, इसके चारों दिशाओं में 4 गेट है। ये देखिए एक ये हो गया, इधर से
एक उधर हो गया, ये किए हो गया, ये किए है। और यहाँ बंदरों का बहुत आतंक, अगर आप यहाँ आते हैं ये देखिए। उत्तराखंड का अच्छा खासा इतिहास है, कई दिशाओं से मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड काफी प्राचीन है, इसके पत्थर भी आपको देखो जूम करके दिखाऊं, पत्थर भी खराब होने लगे, देखिए गलने लगे हैं पत्थर। देखिए इसका मैं पूर्णतः आपको भरपूर एक अच्छा व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा उत्तराखंड, चारों दिशाओं से इसका हम लेते हुए व्यू, किस तरीके से ये सुंदर बना है। अब ये किस लिए बनाए हैं इसके बारे में तो कुछ पता लग नहीं पा रहा है, शायद छलांग लगाने के लिए बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, क्या इनका महत्व है। 5 ये बने हैं, इनका क्या महत्व है पता नहीं। ये रहा उत्तराखंड, ये लाइट शो होता है इसमें रात में। देखिए आप कितना सुंदर है ये है उत्तराखंड, यहाँ की अद्भुत महिमा है भगवान श्री कृष्ण। ये देखिए उत्तराखंड का इतिहास पूरा लिखा है, इसमें क्या क्या है अभी मैं इसके बारे में ठीक से आपको जानकारी दूंगा। उत्तराखंड यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे उनका जन्म हुआ था, तो शैशवावस्था में बाल्यावस्था में जब वो उनके मलमूत्र के कपड़े धोए जाते थे, इसका यही इतिहास है। बाल्यावस्था में यहाँ मलमूत्र के कपड़े धोए जाते थे, तो इसका विशेष महत्व, इसको उत्तराखंड कहते हैं। काफ़ी प्राचीन समय का है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसकी बहुत मान्यता है। ये जन्मभूमि के सामने ही स्थित है, ये देखिए तो देख सकते हैं आपको ये कितना प्राचीन है, इसकी प्राचीन कलाकृति है। ये देखिए ये फाउंटेन शो भी होता रात में, बाकी ये उत्तराखंड है, ये देख लो आप। इसके दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है, देख सकते हैं क्योंकि अभी इसका शो रात में होता है और हमारा हम दिन में आए हैं, तो इसमें जाने की अनुमति फिलहाल नहीं मिल पाई है, तो इसीलिए हमने बाहर से ही इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। आप देखिए इसका काफ़ी गहराई है, इसमें देखिए पानी का कलर कैसा हरा हरा हो रखा है। बोट भी है छोटी सी, और ये फाउंटेन शो के लिए बहुत सारे फाउंटेन लगे हुए हैं, इसका शो भी हम पता करेंगे किस समय होता है क्या होता है हिसाब से, क्योंकि हमें तो टाइम है नहीं, हमें ड्यूटी जाना है, तो ये चलते फिरते एक वीडियो बना लेते हैं। इससे हमारे बहुत से जो देश विदेश में श्रद्धालु हैं भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले हैं, इसी के सामने आपका जन्मभूमि है, ये रास्ता जन्मभूमि के लिए गया है। और ये रहा उत्तराखंड का इतिहास। जिला मथुरा शहर में केशव मंदिर के समीप तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल के पास स्थित तालाब उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण शैशवावस्था के कपड़े पोत्र धोए गए थे, जिस कारण उत्तराखंड है। ये आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया सर।